स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है टू चेंज फॉन्ट कलर स्टाइल इन साइज ऑफ द टाइटल एज वेल एज एक्स एक्सिस। तो डिक्शनरी किस तरीके से डिजाइन करेंगे? बेटरली आप अपना ग्राफ डिजाइन करेंगे, छोटा सा धमाका है लेकिन अच्छा है, ठीक है, कि हाउ टू चेंज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड टाइटल ऑफ द कलर। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर मैट प्लॉट लाइब्रेरी के इस फ्री कोर्स में, जहां बात हम कर रहे हैं मैट प्लॉट लाइब्रेरी के चार्ट और ग्राफ के बारे में, किस तरीके से ग्राफ डिजाइन करना है, टाइप्स ऑफ द चार्ट की हम लोगों ने बात की थी। देन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मार्कर के बारे में बताया था कि व्हाट इज अ मार्कर, लाइन की स्टाइल कलर कैसे चेंज करना है। सो देखिए, डे वन से हम एक ही बात कर रहे हैं, दिस इज अ कंप्लीटली अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल। मैट प्लॉट लाइब्रेरी इज अ टूल विच इज यूज फॉर विजुअलाइज द डेटा, कि जब आपका डेटा एनालिसिस होगा तो उस डेटा एनालिसिस के बाद आप कितने बेस्ट तरीके से अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसी स्टेप में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, और इस कदम पे हम समझते हैं आज कि यदि मुझे अपने एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का या टाइटल का कलर चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, साइज चेंज करना है, तो किस तरीके से करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है, राइट? चलिए देखते हैं यहां पे कि सपोज यदि मान लो मैंने एक ग्राफ डिजाइन किया हुआ है, सपोज दिस इज माय ग्राफ, ठीक है, और इस ग्राफ में सपोज ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2, 3, 4, और ये मेरे वाई कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2, 3, 4। तो यहां पर हमने ये तो देखा है कि इसमें लाइन कैसे ड्रॉ करना है, लाइन की विड्थ कैसे चेंज करना है, मार्कर क्या होते हैं, व्हाट इज अ मार्कर, ठीक है, कि अलग अलग टाइप से मार्कर किस तरीके से लेके आना है, ठीक। लेकिन यहां पर आपको याद है मैंने आपको बता दिया कि हियर वी हैव टू रिप्रेजेंट द टाइटल, कि जैसे मान लो मैंने लिखा हुआ है लाइन चार्ट, ओके दिस इज अ लाइन चार्ट, ये मैंने टाइटल लिखा हुआ है, राइट। सिमिलरली यहां पर हमने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस, यहां पर हमने लिखा है वाई एक्सिस। तो यदि मुझे इस y एक्सिस का, x एक्सिस का लाइन चार्ट जो मेरा टाइटल है, ये अपना x एक्सिस है, x लेबल है, ठीक है, दिस इज आवर x लेबल, सॉरी दिस इज आवर y लेबल, ठीक है, ये अपना x लेबल होता है, दिस इज x लेबल, ये हमारा टाइटल है, दिस इज आवर टाइटल। तो यदि मुझे टाइटल का कलर चेंज करना है, मुझे x y एक्सिस का कलर चेंज करना है, मुझे इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, सो किस तरीके से करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है, चलिए देखते हैं इसको कि हाउ टू चेंज द लाइन कलर, सॉरी फॉन्ट कलर स्टाइल इन साइज ऑफ द टाइटल एज वेल एज एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, राइट। तो यहां पर आप समझिए, जब भी हम एक लाइन ड्रॉ, सॉरी जब भी हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो मैंने आपको बोला था वी हैव एन एक्स कोऑर्डिनेट, कि हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, सपोज ये मैंने एक्स कोऑर्डिनेट ले लिए, ठीक है, और ये मैंने वाई कोऑर्डिनेट ले लिए, जो कि आपके हिसाब से आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लो मैं स्क्वायर ऑफ नंबर ले रहा हूं 1, 4, 9, 16, 25, ये मैंने वाई कोऑर्डिनेट ले लिए ताकि मेरा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ डिफरेंट स्टाइल में बन जाएगा, लाइन ना होके, ओके। अभी इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ग्राफ किस तरीके से बन रहा है, देन आई जस्ट प्लॉट दिस ग्राफ। तो हमने मैट डॉट प्लॉट को यूज किया, मैट इज व्हाट, जो हमने इंपोर्ट किया था यहाँ पे, इंपोर्ट मैट प्लॉट, ये सब मैं बता चुका हूं, हालांकि मैट प्लॉट लिब, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब, सॉरी इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट पाइप्लॉट एज मैट, ठीक है। फिर हमने मैटप्लॉट को डिफाइन किया एक्स कॉमा वाई के साथ, और इसके बाद हम इसमें डिक्लेयर करते हैं मैट डॉट टाइटल, कि सपोज मैंने टाइटल डिक्लेयर किया, राइट, तो टाइटल में आपने क्या लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया दिस इज लाइन चार्ट। अब मुझे यहां पे लाइन चार्ट के साथ इसी टाइटल का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, मुझे उसका कलर चेंज करना है, ठीक है, मुझे उसकी साइज चेंज करना है, तो हियर वी हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फॉन्ट डिक्ट प्रॉपर्टी, और यू कैन से दैट इट्स एन आर्गुमेंट फॉन्ट डिक्ट, मतलब दिस टाइटल मेथड इज हैविंग टू पैरामीटर, वन इज द टाइटल एंड सेकेंड पैरामीटर इज फॉन्ट डिक्ट। तो ये जो फॉन्ट डिक्ट प्रॉपर्टी है, या यू कैन से दैट आर्गुमेंट है, इट रिक्वायर्ड द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। ये ध्यान रखना कि फॉन्ट डिक्ट प्रॉपर्टी को या पैरामीटर को आप जो वैल्यू दोगे, दिस वैल्यू मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। तो इसके पहले, मतलब आपको टाइटल के पहले क्या करना है, इस टाइटल के पहले मुझे यहां पे एक डिक्शनरी डिजाइन करना है, उस डिक्शनरी को मुझे असाइन करना है इस फॉन्ट डिक्ट प्रॉपर्टी को। तो डिक्शनरी किस तरीके से डिजाइन करेंगे, सपोज, तो यहां पर मैंने सपोज माय फॉन्ट नाम से
हमने एक डिक्शनरी डिफाइन की है ना। डिक्शनरी ये वही डिक्शनरी है, मतलब हम जो बात करते हैं पाइथन में लिस्ट सेट डिक्शनरी राइट। तो इस माय फॉन्ट डिक्शनरी में मुझे तीन प्रॉपर्टी प्रोवाइड करनी है। वन इज फैमिली, कि आपकी फॉन्ट फैमिली क्या होगी, ठीक है। फॉन्ट फैमिली मतलब यू नो द नेम ऑफ द फॉन्ट, दैट मे बी एरियल, दैट मे बी टाइम्स न्यू रोमन, दैट मे बी एरियल ब्लैक और वॉट एवर यू वॉन्ट राइट। तो यहां पर हमने दे दिया सिंगल कोट में फैमिली इक्वल टू सिंगल कोट, मतलब सपोज मैंने लिख दिया एरियल कॉमा। सेकेंड इज साइज, कि मुझे फॉन्ट साइज क्या रखना है, ठीक है, इट्स इन न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सपोज आपने दे दिया 20। एंड थर्ड वन इज कलर, कि आपको फॉन्ट कलर क्या रखना है, सो दिस सपोज मैंने यहां पर दे दिया रेड, सिंगल कोड में कलर एंड देन रेड। तो दिस इज व्हाट माय डिक्शनरी इज रेडी। अब ये जो डिक्शनरी आपके रेडी हुई है, अगेन आई एम टेलिंग यू, एक चीज और समझिएगा, अगर आपको लगता है कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के कलर फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट रखना है और टाइटल का डिफरेंट रखना है, तो आप दो डिक्शनरी डिफाइन कर दीजिए। और यदि आपको लगता है तीनों आपको एक जैसे रखना है, तो बस ये आपके डिक्शनरी वंस यू कैन रेडी, तो आपको क्या रखना है, मैट डॉट टाइटल। टाइटल में हमने टाइटल डिफाइन कर दिया, इट्स अ लाइन चार्ट कॉमा, एंड देन वी हैव टू स्पेसिफाइड द फॉन्ट डिक्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट डिक्ट इक्वल टू माय फॉन्ट, फॉन्ट डिक्ट इक्वल टू माय फॉन्ट, ठीक है। ये आपने कहां पर आर्गुमेंट दिया, टाइटल में, कि टाइटल का जो सेकंड आर्गुमेंट है फॉन्ट डिक्ट, इस फॉन्ट डिक्ट को हमने दे दिया ये माय फॉन्ट, जो कि हमने यहां पर ये रेडी की है डिक्शनरी। सिमिलरली द सेम फॉन्ट डिक्ट पैरामीटर वी हैव मैट डॉट, जब हम एक्स लेबल को डिफाइन करते हैं, तो एक्स लेबल में हमने क्या लिखा, एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस के साथ भी हम यहां पर डिफाइन कर सकते हैं फॉन्ट डिक्ट इक्वल टू, और अगर आप सेम रखना चाहते हैं तो यू कैन राइट डाउन द सेम, अदरवाइज आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिफाइन अनदर डिक्शनरी माई फॉन्ट वन के नाम से, जहां पर आप फैमिली चेंज कर दीजिए, दिस इज एरियल, ठीक है, जहां पर आप फैमिली चेंज कर दीजिए, जहां पर आप साइज डिफाइन कर दीजिए, कलर चेंज कर दीजिए, ओके। और सिमिलरली यू कैन राइट डाउन द मैट डॉट वायलेबल, में अभी आपको इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी समझा दूंगा, सो चीजें कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमें। अगेन वी हैव अ प्रॉपर्टी फॉन्ट डिक्ट इक्वल टू, और यहां पर आपने लिख दिया अगेन माय फॉन्ट, दैट्स इट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट, हाउ टू चेंज द टाइटल कलर साइज ऑफ द फॉन्ट, हाउ टू चेंज द एक्स लेबल वाई लेबल कलर साइज ऑफ द फॉन्ट, बड़ा सिंपल सा तरीका। और देखिए डे वन से हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल, नथिंग लॉजिकल कॉन्सेप्ट हियर राइट नाउ, मैं कोई लॉजिक नहीं लगा रहा हूं, कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हम यहां पर नहीं यूज कर रहे हैं, दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट की आफ्टर एनालिसिस ऑफ द डेटा हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर डेटा इन द इंपैक्टफुल मैनर। क्योंकि बार बार मैं आपसे बोलता हूं ना, यहां पर इस पूरे टॉपिक को आपको एक ही चीज दिमाग में रख के पढ़ना है कि पिक्चर सेज मोर देन अ वर्ड, कि जितना बेटरली आप अपना ग्राफ डिजाइन करेंगे वो उतना प्रॉपर तरीके से आपके रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, छोटा सा धमाका है लेकिन अच्छा है, ठीक है, कि हाउ टू चेंज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड टाइटल ऑफ द कलर। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं अभी तक। इसके पहले मैंने आपको जो बताया था कि बॉस मार्कर क्या होता है, लाइन स्टाइल कलर कैसे चेंज करना है, किस तरीके से आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक है। और अब इसके आगे जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा ग्रिड को लेके, कि ग्रिड किस तरीके से हम लेके आएंगे, एक्स ग्रिड, एक्स एक्सिस ग्रिड, वाई एक्सिस ग्रिड लेके आना है, ग्रिड का कलर स्टाइल चेंज करना है, तो सारी बातें करेंगे ग्रिड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। बस बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैटप्लॉट लाइब्रेरी के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।